Hey guys, what's up and welcome back to my channel. My name is Mohammad Rafi और आप देख रहे हैं Vedak Studio. Well, बहुत दिनों से guys हम जो हैं वो gaming peripherals और components को review और unbox कर रहे थे, जबकि बहुत सारे लोगों ने मुझे YouTube पे और Instagram पे बताया कि आपका काफ़ी अच्छा सेटअप है, तो आप हमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि हम जिसे अपना जो सेटअप है उसके एस्थेटिक्स को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी ओवरऑल लुक जो है सेटअप की वो हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं. सो दिस वीडियो इज़ गाइस टोटली अबाउट दैट. आज के दिन जो है हम ऐसी 6 प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में 4000 से लेकर 10000 रुपीज़ के अंदर जो है वो उनकी रेंज होगी, और वो ना सिर्फ आपकी जो है सेटअप को एस्थेटिक प्रोवाइड करेंगी बल्कि आपका जो ओवरऑल लुक है उसको भी इंक्रीज़ करेंगी, और आपको जो आपकी डेली रूटीन है उसके अंदर भी आपको हेल्प आउट करेंगी आपका काम करने के अंदर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट द शो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेल्टा हब इकोनॉमिक रिस्ट रेस्ट गाइस, जिसका नाम है कार्पियो. वेल गाइस, सबसे पहले तो मैं डेल्टा हब का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अपनी प्रोडक्ट जो है स्लोवेनिया से बहुत दूर से मुझे इन्होंने अपनी प्रोडक्ट भेजी है, और उन्होंने मुझे एक चांस दी है अपने इन प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का. सो गाइस, अगर हम कार्पियो के बारे में डिस्कशन करें तो कार्पियो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी रिस्ट को रिलीव करता है उस टाइम पर जब आप पूरा दिन या फिर काफ़ी देर के लिए अपने आप को काम में बिजी रखते हैं, या फिर अपना माउस यूज़ करते रहते हैं या कीबोर्ड को यूज़ करते रहते हैं गाइस. क्योंकि जब आप ज़्यादा देर के लिए काम करते हैं, जैसे यूट्यूब और कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं, अगर उनको ज़्यादा देर या गेमिंग करनी हो या काम करना हो तो उनकी जो रिस्ट होती है वो काफ़ी थक जाती है, जो कि उनको काम में काफ़ी हर्डल्स प्रोवाइड करते हैं, फिर जिस वजह से आपको काफ़ी तंगी भी होती है और फिर काफ़ी इश्यू होता है. जबकि जो डेल्टा हब है उन्होंने कार्पियो ये प्रोडक्ट इसलिए डिज़ाइन किया है गाइस, ये आपकी रिस्ट को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ग्रिप प्रोवाइड करता है और रिलीफ प्रोवाइड करता है. जस्ट आपने इस प्रोडक्ट को जो अपने माउथ के पीछे जस्ट प्लेस करना है या फिर अपने कीबोर्ड के पीछे प्लेस करना है और अपने रिस्ट को इसके ऊपर रेस्ट करना है काम करने के वक्त. जब आप इसको अपने काम के अंदर यूज़ करेंगे तो आप बेशक ज़्यादा देर के लिए भी काम करते हैं ना गाइस, तो आपको कोई इशू भी नहीं होगा, ना आपकी ये रिस्ट थकेगी और आपका काम भी बहुत ईजी होता रहेगा. अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें गाइस, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है और जो इसके ऊपर ग्रिपर्स हैं वो जो है रबड़ के बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल स्वेट भी फील नहीं होता और ईजीली अपना काम कर लेते हैं. सो गाइज, अब हम दूसरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो हमें दूसरी प्रोडक्ट भी जो है वो डेल्टा हब की तरफ से आई है स्लोवेनिया से, जबकि गाइज ये जो उनकी प्रोडक्ट है इसका नाम है मिनिमलिस्टिक फेल्ट माउस पैड. और गाइज मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस तरह का बेहतरीन किस्म का मिनिमलिस्टिक माउस पैड आज तक नहीं देखा. इसका डिज़ाइन और इसकी जो परफॉर्मेंस है और इसकी वर्किंग है वो इतनी बेहतरीन किस्म की है कि मैं आपको बता नहीं सकता. ये टोटली जो है एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो आपको एक वुलन फील देता है. आप इसके ऊपर अपने कॉम्पोनेंट्स को इजीली प्लेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी स्पीड के अंदर मूव भी कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल गाइस. गाइस अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये जो है आपको एक वुलन टाइप सा फील देता है. दो लेयर्स को आपस में जो है प्रेशर पंच किया हुआ है, इंटरलॉक किया हुआ आपस में चारों साइड्स को. बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है, बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये पसंद आई है गाइस कि पाकिस्तान के अंदर आपको अगर माउस पैड आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि ऊपर मट्टी आ जाती है और वो मट्टी नज़र आती है जो कि बहुत ही बुरी लगती है. इस माउस पैड को जो है आपको बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता, इसके ऊपर मट्टी आ भी जाए तो वो जो इसका वुलन टाइप का टेक्स्चर है उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है मट्टी नज़र आती ही नहीं है, और इसलिए आपको बार बार इसको साफ़ करने का इशू भी नहीं होता. गाइस ये जो है मार्केट के अंदर 3 साइज़ के अंदर अवेलेबल है, एक स्मॉल, मीडियम और लार्ज. उसके अलावा गाइस अगर इसकी निचली लेयर के बारे में बात करूँ तो निचली लेयर पे इन्होंने रबड़ के जो है वो छोटे छोटे और मैटिक्स इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं जो कि इसको फ्रिक्शन कॉज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करते, मीन्स कि ये स्लिप नहीं करता, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने चीज़ें इसको रिप्लेस की हुई हैं तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा, बिल्कुल भी फ्रिक्शन कॉज नहीं करेगा, और आपके काम में आपको बहुत ही अच्छा हेल्प आउट करेगा और एक बहुत ही एस्थेटिक लुक भी प्रोवाइड करेगा गाइस. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है Vivify Accesso W10 LED केबल.
वेल गाइस, ये केबल जो है सी टाइप केबल है और ये हमें भेजी है वीवीफाई ने वियतनाम से, जो जिनका मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा। काफ़ी दूर से ये केबल भी हमारे पास आई है। इन्होंने मुझे अपनी तीन केबल भेजी हैं, दो एसएसओ W10 और एक जो है इनकी एल्जा में केबल थी, वो मैं आपको बाद में ज़रूर दिखाऊंगा। सो गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी के अगर मैं बारे में बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बहुत ही प्रीमियम है। उसके अलावा इसकी जो सबसे अच्छी फंक्शन ये है कि गाइस, एक तो केबल भी प्रीमियम है, उसके अलावा इसमें एक उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है LED का, जो कि ये पूरा केबल के अंदर जो है रन करती है और आपको एक न्योन टाइप सा फील प्रोवाइड करती है। हमारे पास जो इसका कलर आया है वो है रेड और ब्लू, मीन्स के ये पूरी की पूरी जो केबल है वो आपको रेड न्योन लाइट जो है इसके थ्रू और इसके अंदर रन कर रही है। उसके अलावा गाइस, ये सी टाइप है और बहुत ही अच्छी और ड्यूरेबल केबल है। और उसके अलावा गाइस, ये 3.1 और 3.2 पोर्ट्स और 3.0 पोर्ट्स की और स्पीड लाइटनिंग स्पीड ट्रैवल है इसका डाटा ट्रांसफर का। जो इसकी बैंडविड्थ स्पीड है और जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड है वो है 10 GBPS गाइस, जो कि बहुत ही अच्छी एक स्पीड है और आपको डाटा ट्रांसफर करने में बहुत ही हेल्प आउट करती है गाइस। सो एसएसओ W10 जो है आपको पाकिस्तान के अंदर जो है वो 6 से 7 हज़ार के बीच में इसलिए अवेलेबल हो सकती है। अगर आपने लेनी है तो आप वीवीफाई के साइट से भी उसको बाय कर सकते हैं और ये आपके एस्थेटिक्स के अंदर काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। मैं जो है इसको अपने सी टाइप कीबोर्ड के साथ यूज़ कर रहा हूँ, जो इसको एक डिफरेंट टाइप का नियॉन टाइप सा फील जो है वो प्रोवाइड करती है एस्थेटिक्स में। हम मूव करते हैं अपने फोर्थ प्रोडक्ट के ऊपर, जो जियो शार्क का JSMB 8 है। ये प्रोडक्ट जो है आपको हेल्प करता है अपना लैपटॉप और टैबलेट को वर्टिकली माउंट करने के लिए आपके डेस्क के ऊपर या फिर स्टैंड करने के लिए। आप इसको एज अ लैपटॉप स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस माउंट को जो है अपने डेस्क के ऊपर अपना लैपटॉप प्लेस करने के लिए या अपना लैपटॉप स्टैंड एज अ यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा एक स्टैटिक्स भी प्रोवाइड करता है आपके सेटअप के अंदर। मोर ओवर गाइस, जितने भी मार्केट के अंदर लैपटॉप माउंट्स और ब्रैकेट्स हैं, वर्टिकल माउंट जो हैं, वो आपको सिंगल लैपटॉप माउंट करने की जो है ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं या सिंगल टैबलेट, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है आपको दो लैपटॉप्स या फिर दो टैबलेट्स माउंट कर सकते हैं आप इसमें ईजिली और अपने डेस्क पर प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्टेटस प्रोवाइड करता है और ये जो है मेटालिक की एक फिनिश है इसकी। इसके अलावा एडजस्टेबल स्क्रूज भी हैं, आप अपने लैपटॉप के साइज़ के लिहाज से इसको ओपन भी कर सकते हैं। और इसकी इनर साइड पे जो है रबड़ की पैडिंग प्रोवाइडेड है, जो कि आपके लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैचेस लगने नहीं देती या टैबलेट के ऊपर भी स्क्रैचेस नहीं लगने देती। इसको काफ़ी अच्छी ग्रिप करती है और होल्ड करती है और अपनी प्लेस के अंदर से मूव आउट नहीं करने देती। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है बेसिस की हैंगिंग स्क्रीन लाइट। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक्सेसरीज वालों का। ये प्रोडक्ट जो है मैंने उनसे बाय किया है। एक्सेसरीज वालों के पास जो है बेसिस की कंप्लीट रेंज जो है अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल रेट्स के ऊपर जो है वो मार्केट से इनको सेल कर रहे हैं। अगर आप उनकी शॉप विज़िट करना चाहते हैं, शॉप भी विज़िट कर सकते हैं और उनका ऑनलाइन स्टोर भी है। तमाम लिंक्स और लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उनको ज़रूर विज़िट करें। टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिल्ड क्वालिटी जो इस प्रोडक्ट की है बहुत ही प्रीमियम और टॉप नॉच है गाइस। बहुत ही अच्छा और स्लीक फील देती है ये आपको और बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन है। एज़ यू नो, मैं काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन और डोप डिज़ाइन को प्रेफर करता हूँ, तो ये भी काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन है गाइस। टोटली एलुमिनियम की ये बनी हुई है गाइस। उसके अलावा जो है बहुत ही ईजी है इसको इंस्टॉल करना, सिंपल आपने इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है प्लेस करना है। इसके पीछे एक वेट जो है वो उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर जब इसको रखते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एडजस्ट कर जाता है। स्क्रीन पर इसको जो है फिक्स करने के बाद सिंपली इसकी आप सी टाइप केबल इसके थ्रू जो है इसको जो पावर करती है वो आप अटैच करें अपना पावर सॉकेट के अंदर या फिर पावर जो आपकी ब्रिक है उसके अंदर, ईजिली जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर गाइस, ये जो है इसका टच सेंसिटिव जो है वो एडजस्टेबल नॉब है, उसी नॉब के साइड पर इसका पावर बटन भी है। बहुत ईजिली आप इसके मोड्स भी चेंज कर सकते हैं और गाइस इसकी ब्राइटनेस जो है बहुत ही ज़्यादा है। ये मैंने बस इसलिए की है कि मैंने अपने सेटअप की जो है अगर फ़ोटो लेनी हो, जैसे कि मैंने कीबोर्ड को शो ऑफ करना हो या फिर की कैप्स को शो ऑफ करना हो या उसके अलावा अगर मैंने कोई कंटेंट राइट करना हो, तो फिर लाइट काफ़ी जो है मुझे कम पड़ती है अपने रूम में, जिसके लिए मैंने ये बाय की है। और गाइस, ये 10% के ऊपर इतनी अच्छी ब्राइटनेस देते हैं तो इट्स अनबिलीवेबल।
अगर आप इसकी ब्राइटनेस जो है फुल 100% करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस तो काफी ज्यादा हो जाएगी फिर मेरे ख्याल से। सो गाइज अब हम आते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो कि है एक ब्लूटूथ स्पीकर। ब्लूटूथ स्पीकर इसलिए ज़रूरी था कि अगर मैं बाय ट्रैवल करता हूँ, जैसा कि मैं अपना टूर वगैरह पे काफ़ी जाता रहता हूँ, और मेरे सेटअप के अंदर भी एक ब्लूटूथ स्पीकर की बहुत ज़रूरी थी। अगर मेरा सिस्टम बंद होता है तो कभी कभी जो है मुझे ज़रूरत पड़ ही जाती है। सो गाइज ये है ब्लूटूथ स्पीकर अल्टीमेट ईयर्स का, इसका नाम है वंडर बूम। ये जो स्पीकर है मुझे खास टेक एंड गेम्स वालों की तरफ से आया है, और खास टेक एंड गेम्स वाले जो हैं इसको मार्केट रेट से 1000 rupees लेस करके डिस्काउंट पर सेल कर रहे हैं, और आप उनसे इजीली बाय कर सकते हैं। उनकी लोकेशन मैं नीचे मेंशन कर देता हूं। वैसे मार्केट प्राइस जो है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, 9500 rupees है, लेकिन खासटैग के पास ये जो है 8500 का अवेलेबल है। सो गाइस अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिज़ाइन तो आप वैसे खुद ही देख ही रहे हैं कि कितना मिनिमल और टॉप नॉच किस्म का इसका डिज़ाइन है। बहुत ही स्लिम और छोटा सा इसका उन्होंने मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ईजिली कनेक्ट आप इसको कर सकते हैं अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप या टीवी किसी के साथ भी ईजिली कनेक्ट हो जाता है गाइस। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगी है वो ये है कि इसमें तीन बहुत बेहतरीन किस्म की क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये डस्ट प्रूफ है, दूसरा ये वाटर प्रूफ भी है, और तीसरा जो है ये रगिड है। मीन्स के गाइस अगर आप बाहर स्पीकर को साथ ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ा इशू तो यही होता है कि स्पीकर में पानी ना चला जाए, डस्ट ना चली जाए, जिसकी वजह से उसके पोर्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो गाइस इसमें सारी की सारी जो है क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, इसको कोई मसला नहीं होता। और ये ड्रॉप प्रूफ भी है क्योंकि रगिड है, आप इसको फेंक भी दें तो ऐसे इसमें कोई इशू होता नहीं है। चार्जेबल है गाइस, और ये जो है आपको 10 आवर्स का जो है बैटरी बैकअप देता है। और गाइस अगर आप इसकी लाउडनेस की बात करें तो खास टैक गेम्स वालों ने मुझे बताया था कि काफ़ी भाई इसकी जो साउंड और लाउडनेस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो इसको सुनने के बाद मैं खुद हैरान रह गया था कि इसकी इतनी बेहतरीन किस्म की लाउडनेस है, इतनी अच्छी आवाज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको इसका एक टेस्ट दिखा देता हूँ, और टेस्टिंग साउंड आपको उससे पता चल जाएगा कि इसकी कितनी अच्छी आवाज़ है। ये थे हमारे 6 प्रोडक्ट जिनको मैंने अपने सेटअप में प्लेस किया है, और आपको ये हेल्प आउट भी करेंगे। आगे भी मैं आपको अपने सेटअप के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो देता रहूँगा और बताता रहूँगा कि सेटअप आप किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, और रूम टूर भी मैं अपना जल्द दूंगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।